हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स चलिए इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं और इस वीडियो में देखेंगे सिर्फ एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट जिसके अंदर थ्री क्वेश्चन है थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो सकता था इसके लिए एक ही क्वेश्चन लिए स्टूडेंट्स वीडियो मतलब लेंदी हो सकता था तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्या लिखा है तो देखिए क्वेश्चन नंबर एट क्या लिखा है कि इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स जो आप देख रहे हो यहाँ पे थ्री क्वेश्चन के कैन द सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स ए ट्राइंगल अब देखिए पहले क्वेश्चन में तीन पॉइंट है सेकेंड क्वेश्चन में तीन पॉइंट है और थर्ड क्वेश्चन में तीन पॉइंट है क्वेश्चन समझ लीजिए फिर आप सॉल्व करेंगे वीडियो अगर बढ़ रहा है कोई बात नहीं लेकिन आपको समझना जरूरी है स्टूडेंट तो क्या लिखे कि कैन द सेगमेंट ज्वाइनिंग द गि पॉइंट्स फॉर्मे ट्राइंगल अब देखिये इसको एक्चुअल में ग्राफ में तो ड्रॉ नहीं करना है अगर ग्राफ में ड्रॉ करते तो आपको देख के पता चल जाता था कि वो ट्राइंगल फॉर्म करता है या नहीं करता है हमको तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना बिकॉज हम कोऑर्डिनेट ज्योमीटर सीख रहे हैं इसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला ही हमने यूज किया तो डिस्टेंस के फार्मूले से हमको ये पता लगाना है कि ये जो तीन पॉइंट हैं इनको ज्वाइन करने के बाद एक्चुअल में जो वर्चुअल रहेगा रियल में आप ज्वाइन नहीं करोगे लेकिन डिस्टेंस से भी आप पता लगा सकते हो तो इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद वो पॉइंट से क्या ट्राइंगल बनता है क्या ये आपको पहले पता लगाना है और फिर आगे क्या बोला कि इफ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड अगर हाँ अगर ट्राइंगल बन रहा है तो आपको ये बोला है कि स्टेट द टाइप ऑफ द ट्राइंगल तो आपको यह बताना है कि किस टाइप का ट्राइंगल वो बनेगा कंसिडरिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल तो आपको ट्राइंगल के साइड को देखना है जो भी ट्राइंगल के साइड्स रहेंगे मतलब वो साइड कैसे रहेंगे देखिए मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ द ट्राइंगल के बारे में तो साइड्स को देख के आपको यह पता लगाना है कि वो ट्राइंगल बनता है या नहीं बनता है अब कब नहीं बनेगा ट्राइंगल कब बनेगा ट्राइंगल वो अभी मैं आपको बता रहा हूं तो चलिए पहले टाइप ऑफ द ट्राइंगल जो है एक बार समझ लेते हैं आपको अगर पता है तो भी कोई बात नहीं जिससे अगर एक ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड इक्वल हैं तीनों साइड एकदम बराबर बराबर डिस्टेंस के हैं तो उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको मालूम होगा सेकेंड अगर आप देखते हो कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसका दो साइड इक्वल है जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल नहीं है तो ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसिस ट्राइंगल और एक ऐसा ट्राइंगल जिसका तीनों साइड डिफरेंट है ये साइड फिर ये साइड और फिर ये साइड तीनों डिफरेंट है तो ऐसे ट्राइंगल को आप स्केलेन ट्राइंगल बोलते हो तो ये तो हो गया टाइप ऑफ ट्राइंगल कंसिडरिंग द साइड्स साइड्स को देख के हम इस तीन टाइप में हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स फिर आपको क्या बोला है कि जब वो ट्राइंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है तो इन तीन में से कौन से टाइप का ट्राइंगल रहेगा ये आपको बताना है तो ये तो डिसाइड होगा कब जब हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे जिसे फॉर एग्जाम्पल सेकेंड क्वेश्चन लेंगे क्योंकि पहले हम ये करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन फिर थर्ड क्वेश्चन और फिर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ और बताना है इसके लिए इसको लास्ट में रख रहा हूँ मैं तो जैसे अभी पी क्यू का आप डिस्टेंस निकालोगे क्यू आर का डिस्टेंस निकालोगे और एक पी आर का डिस्टेंस निकालोगे तीन डिस्टेंस निकालोगे अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल आया है तो वो इक्विलेटर ट्रैंगल ही होगा पर वो बन रहा है या नहीं बन रहा है वो भी मैं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि फिर ट्रैंगल इज फॉर्म्ड और नॉट ये भी आपको पहले पता लगाना है मतलब आपको आंसर में दो चीजें बताना है कि पहले तो ये बताना है कि ट्राएंगल आप बना आप सकते हो या नहीं सकते हो और जब ये बताओगे कि, कि हाँ बना सकते हो तो वह किस टाइप का ट्राइंगल रहेगा और नहीं बना सकते हो तो फिर टाइप के टाइप ऑफ ट्राइंगल की जरूरत ही नहीं है तो अगर तीनों डिस्टेंस सेम होता है पी क्यू, क्यू और पी तो वो इक्विल एक्टर ही बनेगा दो डिस्टेंस सेम होगा कोई भी और एक अनइक्वल रहेगा तो आईसोस रहेगा और अगर तीनों डिस्टेंस आपको डिफरेंट मिल रहा है और ट्राइंगल बन भी रहा है दोनों तीनों केसेस में तब वो स्कैलिन ट्राइंगल रहेगा अब यह समझना है कि ट्राएंगल कब बनेगा और ट्राइंगल कब नहीं बनेगा डिस्टेंस को लेके तो देखिए अगर दो केसेस समझिए कि अगर तीन पॉइंट ऐसे हैं जो नॉन कॉलिनियर होते हैं अगर आप आ, कहीं पे भी कोई पेपर में अगर तीन ऐसे नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स लेते हो जो एक सीधे लाइन में नहीं आते और अगर आप उनको ज्वाइन करोगे तो कितने भी छोटे हो कितने बड़े हो एक ट्राइंगल बनी जाएगा अगर पॉइंट नॉन कॉलिनियर है तो देखिए जब पॉइंट नॉन कॉलिनियर होगा कोई भी क्वेश्चन का तब वो ट्राइंगल फॉर्म करेगा और जब ट्राइंगल बन जाएगा उसके बाद फिर आपको चेक करना है कि जो डिस्टेंस आपने निकाला है क्या वो तीनों इक्वल है अगर है तो इक्विलेटरल बोलोगे दो इक्वल है और एक एक अन है तो आइसोसेस बोलोगे और तीनों अन है तो आप स्केलेन बोलोगे लेकिन ये कब बोलोगे जब एक बार आप ये फिक्स करोगे कि ट्राइंगल बन है या नहीं बन है और ट्राइंगल कब बनेगा जब ये तीन पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर रहेंगे और तीन पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर कब रहेंगे देखिए अगर कॉलिनियर होंगे मान लीजिए कि तीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर है देखिए कॉलिनियर को देखिए प्रोनाउंसिएशन आप समझिए स्टूडेंट्स तो कोलिनियर अगर तीन पॉइंट्स है तो इनको तीनों को अगर आप ज्वाइन करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जो को है मतलब जो एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन में अगर तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हो जैसे यहां पे भी तीन पॉइंट है यहाँ पे भी तीन पॉइंट है यहां पे आपको कहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है यहां पे एक लाइन दिख रहा है तो जब पॉइंट्स को होंगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा लेकिन जब पॉइंट्स नॉन कोलिनियर रहेंगे तब ट्राइंगल बनेगा तो अब आपको यही समझना है कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर आपको कैसे पता चलेगा तो देखिए नॉन कोलिनियर के लिए दो कंडीशन हो सकता है जैसे एक चीज ये होता है कोई भी ट्रायंगल हो कि उसका कोई भी दो साइड अगर आप प्लस करोगे तो तीसरे से बड़ा रहेगा कोई भी दो साइड ये दोनों को प्लस करोगे जो भी वैल्यू रहेगा इससे बड़ा रहेगा फिर ये दोनों को प्लस करोगे इससे बड़ा रहेगा फिर ये दोनों को प्लस करोगे इससे बड़ा रहेगा जो भी छूट रहा आप समझ लीजिए मतलब यही कि कोई भी दो साइड अगर आप प्लस करोगे ट्राइंगल का तो तीसरे से बड़ा रहेगा एक ये कंडीशन है दूसरा कंडीशन जो हम इस सम्स में लेने वाले वो ये है कि एक ट्राइंगल के अंदर जब हम तीन डिस्टेंस निकालेंगे चाहे कहीं पर भी तो एक डिस्टेंस बड़ा रहेगा तो मान लीजिए इसके अंदर अगर आप समझ रहे हो कि ये बड़ा है तो बड़ा वाला जो डिस्टेंस रहेगा बाकी के दोनों डिस्टेंस को प्लस करने पे दोनों इक्वल नहीं हो सकते है ये छोटा रहेगा ये बड़ा रहेगा इन दोनों को प्लस करूंगा तो उसका वैल्यू इस अकेले से बड़ा ही रहेगा लेकिन यहाँ पे बड़ा और छोटा नहीं बताना है इक्वल और अनइक्वल बताना है मतलब अनइक्वल रहेगा बड़े का वैल्यू दोनों को प्लस करके अनइक्वल रहेगा तब वो लाइन क्या रहेगा तब वो तीन पॉइंट्स क्या रहेंगे नॉन कोलिनियर आप फिक्र मत करो सम्स करेंगे आपको समझ में आ जाएगा मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि जब हम तीन डिस्टेंस निकालेंगे चाहे जिस भी सम्स में तो जो बड़ा वाला डिस्टेंस रहेगा वो बाकी का जो दो डिस्टेंस छोटे छोटे रहेंगे उनको मिला के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है ये आपको पता लगाना है अगर नहीं इक्वल आ रहा है तब तो पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर हैं तब आप बताओगे कि अगर वो पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर है तो ट्राइंगल बन रहा है उसके बाद वो डिस्टेंस देखोगे कि क्या वो डिस्टेंस तीनों अलग अलग है दो सेम है एक अलग है तीनों सेम है तब उसके बेस पे साइड्स के बेस पे फिर आप ये बताओगे कि वो किस टाइप का ट्राइंगल है तो पहले आपको कोलीनियर या नॉन कोलिनियर है वो बताना है उसके बाद आपको बताना है कि वो किस टाइप का ट्राइंगल है जिसे देखिए अगर वो को है तो अब एक एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि अजूम करिए कि ये जो छोटा डिस्टेंस है ये टू है टू यूनिट्स और ये जो इससे बड़ा डिस्टेंस है वो थ्री यूनिट्स है अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस टू यूनिट है और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस थ्री यूनिट है तो आप बताइए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइव नहीं होगा हंड्रेड परसेंट फाइव होगा तो यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं कि दो छोटे छोटे डिस्टेंस को जब हमने प्लस किया तो वो बड़े के बराबर मिला टू प्लस थ्री बड़े के बराबर मिला तो अगर ऐसा मिलता है मतलब ये अगर हम सॉल्व कर रहे हैं या ये सॉल्व कर रहे हैं या ये सॉल्व कर रहे हैं पहला वाला तो अगर इनमें जो दो छोटे छोटे डिस्टेंस रहेंगे अगर उनको प्लस करके बड़े वाले के इक्वल में आ रहा है तब तो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर बिल्कुल नहीं हो सकता है तब पॉइंट्स कोलिनियर रहेगा और जब कोल रहेगा तो ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा तब आपका आंसर रहेगा कि ट्राइंगल नहीं बन सकता वी के नॉट कंस्ट्रक्ट एड ट्राइंगल आपको इस तरह बताना पड़ेगा तो फिर से अब एक समझ के चलिए कि आपको पहले तीन डिस्टेंस निकालना है और फिर तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद आपको बड़े वाले डिस्टेंस को लेना है और कंपेयर करना है कि उसका जो वैल्यू है बाकी के जो दो वैल्यूज रहेंगे उनको प्लस करके इक्वल आ रहा है या अनइक्वल आ रहा है अगर इक्वल आता है तो वो कोल पॉइंट्स रहेंगे और ट्राइंगल नहीं बनेगा और टाइप नहीं बताओगे फिर और अगर अनइक्वल आ रहा है तो ट्राइंगल बन सकता है ये बोलोगे और फिर आपको तीनों वैल्यूज को समझना है अगर सेम है सब के सब तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा दो सेम है एक सेम नहीं है तो आइसोसलेस बनेगा तीनों भी डिस्टेंस अगर अलग अलग मिला है तो आपको स्केलेन ट्राइंगल मिलेगा तो चलिए हम सेकेंड सम्स पहले करेंगे फिर थर्ड करेंगे और फिर सॉरी फर्स्ट वाला करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन ये है तो आपको अज्यूम करना है कि ये क्या है ये क्या है ये क्या है मतलब अज्यूम नहीं करना सॉरी ये आपको दिया हुआ है तो आपको यही लिखना है तो हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं सॉल्यूशन में कि P इज माइनस टू का माइनस सिक्स क्यू इज़ माइनस फोर कॉमा माइनस टू और R जो है वो है माइनस फाइव का जीरो और ये लिखेंगे कि इज द गिवन पॉइंट्स ये आपको दिया हुआ है अब इसके बाद क्या करेंगे हम तीन डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे जैसे PQ का डिस्टेंस निकालेंगे QR का निकालेंगे और PR का निकालेंगे तो सबसे पहले PQ का डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P कॉमा क्यू तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P कॉमा क्यू और फॉर्मूले के ऊपर हमने सब्सिट्यूट किया वैल्यू को फार्मूला क्या होता है एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन या आप ऐसा भी कर सकते हो दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस और बीच में प्लस लिख सकते हो तो हमने यहाँ पे ऐसा किया है दिस माइनस दिस मतलब माइनस फोर में से माइनस करेंगे माइनस टू को और फिर द होल स्क्वायर रहेगा इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा क्योंकि दो माइनस सात में आ रहा था तो ये ब्रैकेट आप यूज़ करोगे फिर प्लस लिखेंगे और ये माइनस ये करेंगे मतलब माइनस टू में से माइनस करेंगे माइनस सिक्स को और फिर से दो साइन आ रहा है तो ब्रैकेट लिखेंगे आप और स्क्वायर ब्रैकेट करके क्लोज करके स्क्वायर लिखेंगे फिर इसके बाद क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे जैसे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस फोर प्लस टू द होल स्क्वायर और ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस टू प्लस सिक्स द होल स्क्वायर तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे कि माइनस फोर माइनस और माइनस प्लस टू द होल स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस और माइनस प्लस द होल स्क्वायर सॉरी प्लस सिक्स द होल स्क्वायर अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करो, करोगे तो माइनस फोर प्लस टू आपको मिलेगा माइनस टू द होल स्क्वायर और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस माइनस होता है तो सिक्स में से टू माइनस करोगे तो फोर आएगा ग्रेटर नंबर का साइन लिखेंगे तो प्लस फोर का स्क्वायर तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि माइनस टू द होल स्क्वायर इसको सॉल्व किया और सिक्स माइनस टू फोर द होल स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर भी आपको पॉजिटिव मिलेगा और फोर का स्क्वायर तो पॉजिटिव मिलता है तो माइनस टू का स्क्वायर आपको फोर मिलेगा और फोर का स्क्वायर आपको सिक्सटीन मिलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा फोर प्लस सिक्सटीन फोर प्लस सिक्सटीन को अगर आप प्लस करोगे तो ट्वेंटी हो जाता है तो विच इज इक्वल टू ट्वेंटी हो रहा है मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी क्यू पहला डिस्टेंस आपने जो निकाला है आपको ट्वेंटी रूट ट्वेंटी मिला है तो फाइनली हम ऐसा लिखेंगे कि देर फोर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी कॉमा क्यू इज रूट ट्वेंटी यूनिट्स जिसको सिम्पलीफाई किया देखिए सिम्पलीफाई आप जानते भी हो क्या लिखा है ट्वेंटी uh, है तो फैक्टराइज करेंगे टू टेन ज ट्वेंटी फिर टू फाइव ज टेन और फाइव वन ज फाइव तो इसका पेयर बन गया तो ये बाहर रहेगा और जिसका पेयर नहीं बना है वो रूट के अंदर रहेगा तो टू रूट फाइव यूनिट्स आपको मिला डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी कॉमा क्यू उसको आप करोगे इक्वेशन नंबर वन तो अब पी क्यू मिल चुका है अब हम क्या करेंगे क्यू आर फाइंड आउट करेंगे तो चलिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यूमा आर के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है एक्स टू माइनस एक्स वन किया माइनस फाइव में से माइनस करेंगे माइनस फोर को तो माइनस फाइव में से माइनस करेंगे माइनस फोर को द होल स्क्वायर फिर जीरो में से माइनस करेंगे माइनस टू को तो जीरो में से माइनस करेंगे माइनस टू को तो सिंपलीफाई करेंगे, करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस फाइव प्लस फोर द होल स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस होएगा तो जीरो प्लस टू मतलब टू द होल स्क्वायर तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस फाइव प्लस फोर द होल स्क्वायर और जीरो प्लस टू द होल स्क्वायर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस फाइव प्लस फोर माइनस प्लस माइनस होएगा तो फाइव में से फोर माइनस करेंगे वन आएगा ग्रेटर नंबर का साइन आप पुट करोगे तो माइनस वन जाएगा तो यहाँ पे जीरो प्लस टू टू रहेगा टू का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस जीरो प्लस टू टू द होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर आपको वन मिलेगा और टू का स्क्वायर आपको फोर मिलेगा तो यहां पे लिखते हैं कि विच इज इक्वल टू वन प्लस फोर और विच इज इक्वल टू आपको मिल जाता है रूट फाइव तो हम यहां पे डायरेक्टली लिखेंगे कि देर फॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू कॉमा आर इज रूट फाइव यूनिट्स तो एक आपको मिला है टू रूट फाइव और एक आपको मिला है वन रूट फाइव क्योंकि रूट फाइव का मतलब वन रूट फाइव होता है तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन अब थर्ड इक्वेशन में क्या बच रहा है देखिए पी क्यू फाइंड आउट किया फिर क्यू आर फाइंड आउट किया अब पी आर बच रहा है तो अब हम पी आर का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे उसके बाद कंपेरिजन चालू करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन पी आर वो क्या रहेगा पी और आर तो माइनस फाइव में से माइनस टू माइनस करना है हमने यहाँ पे माइनस टू में से माइनस फाइव माइनस किया है देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर चलता है आप ऐसा भी कर सकते हो कोई भी आंसर डिफरेंट नहीं आएगा एक्स वन माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर भी कर सकते हो और वाई वन माइनस वाई टू द होल स्क्वायर भी कर सकते हो जैसा यहाँ पे किया है तो माइनस टू में से माइनस करेंगे माइनस फाइव को आप वैसा भी कर सकते हो स्टूडेंट्स कोई आपको रॉन्ग नहीं आने वाला है तो माइनस टू में से माइनस करेंगे माइनस फाइव को तो यहाँ पे लिखा है माइनस टू में से माइनस करेंगे माइनस फाइव को द होल स्क्वायर माइनस सिक्स में से माइनस करेंगे जीरो को तो माइनस सिक्स में से माइनस करेंगे जीरो को द होल स्क्वायर यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस टू प्लस फाइव द होल स्क्वायर और माइनस सिक्स माइनस जीरो माइनस सिक्स द होल स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं माइनस टू प्लस फाइव द होल स्क्वायर और माइनस सिक्स द होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस होगा फाइव में से टू माइनस करेंगे तो थ्री का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस सिक्स का स्क्वायर तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थ्री का स्क्वायर और माइनस सिक्स में माइनस सिक्स का अगर स्क्वायर निकालते हो तो थर्टी सिक्स हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो अब क्या करेंगे थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा और प्लस रूट थर्टी सिक्स यहाँ पे लिखते हैं कि थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस रूट थर्टी सिक्स मतलब ये वाला और नाइन और थर्टी सिक्स को अगर प्लस करेंगे तो रूट फोर्टी फाइव आएगा और रूट फोर्टी फाइव को अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आपको मिलेगा डिस्टेंस बिटवीन पी कॉम आर इस थ्री रूट फाइव फिर से उसको आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि फोर्टी फाइव है टू के टेबल में नहीं जाएगा बिकॉज लास्ट में फाइव है फाइव प्लस फोर नाइन होता है तो थ्री के टेबल में जाता है नाइन भी, तो थ्री के टेबल में फोर्टी फाइव भी जाएगा तो थ्री वनजा थ्री किया वन यहाँ पे चला गया थ्री फाइजा फिफ्टीन फिर से आएगा थ्री फाइजा फिफ्टीन और फिर आएगा फाइव वनजा फाइव इसका पेयर बन गया बाहर चला गया इसका पेयर नहीं बना अंदर आ गया तो इस तरीके से आपको करना है तो अब आपको क्या करना है अब आपको पहले ये बताना है कि पॉइंट्स को लिनियर है या नॉन कोलिनियर है जब वो नॉन कोलनियर रहेंगे तो ट्राइंगल बनेगा और फिर किस टाइप का ट्राइंगल रहेगा वो आपको बताना पड़ेगा लेकिन अगर वो को लीनर रहेंगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा और जब ट्राइंगल नहीं बनेगा तो टाइप बताने की जरूरत नहीं है तो उसके लिए क्या करोगे सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है वो देखो तो ये टू रूट फाइव है ये वन रूट फाइव है और ये थ्री रूट फाइव है तो ये सबसे बड़ा है तो थ्री रूट फाइव जो है क्या ये इक्वल है या नहीं इक्वल है बाकी के दोनों डिस्टेंस को प्लस करके जो आता है वो तो बाकी का जो दो छोटे छोटे डिस्टेंस है जैसे जिसमें से एक है टू रूट फाइव और दूसरा है रूट फाइव तो टू रूट फाइव प्लस वन रूट फाइव ये भी आपको देगा थ्री रूट फाइव और यहाँ पे भी है थ्री रूट फाइव तो क्या ये इक्वल आ रहा है या अनईक्वल आ रहा है तो ये इक्वल आ रहा है और जब इक्वल आता है तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं स्टूडेंट्स अन एकवल रहेगा तब वो पॉइंट्स नॉन कोलिनर रहेगा तो यहाँ पे बड़ा वाला जो डिस्टेंस है वो बाकी के दोनों को डिस्टेंस के प्लस करने के इक्वल में आ रहा है और जब इक्वल आता है तो आप समझ जाइए कि वो पॉइंट्स को लिनियर है एक ही लाइन में आ रहे हैं और जब वो एक लाइन में आ रहे हैं तो ट्राइंगल नहीं बनेगा मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी कॉमा आर विच इज द ग्रेटर डिस्टेंस इज इक्वल टू बाकी के जो थोड़े छोटे छोटे जो डिस्टेंस है जैसे जैसे डिस्टेंस पी क्यू और डिस्टेंस QR तो ये अगर इक्वल है तो हम ये बोलेंगे कि देयरफॉर पॉइंट्स PQ एंड R PQ एंड R आर कोलीनियर पॉइंट्स और जब कोलीनियर पॉइंट्स है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल बाय यूजिंग दिस पॉइंट्स या ट्राइंगल्स कैन नॉट बी फॉर्मड ऐसा लिख सकते हो अब यहाँ पे समझने का है अगर आपको तो चलिए यहाँ पे uh, देख लेते हैं कि ये तीन पॉइंट है सपोज करिए और ये PQ है जो आपको कितना मिला है देखिए पी क्यू डिस्टेंस आपको मिला है टू रूट फाइव तो पी क्यू अगर आपको टू रूट फाइव मिला है उसके बाद Q से लेके आगे एक R है वो आपको मिला है वन रूट फाइव तो ये टू रूट फाइव है और ये वन रूट फाइव है और टू रूट फाइव और वन रूट फाइव को प्लस करने पे थ्री रूट फाइव आता है और पी आर जो है वो आपको मिला है थ्री रूट फाइव तो दो छोटे छोटे वाले को अगर प्लस करके बड़े के इक्वल में आ रहा है तो वो पॉइंट सीधी लाइन में आता है और जब वो सीधी लाइन में आएगा तो ट्राइंगल बिल्कुल नहीं बनेगा स्टूडेंट्स ये आपको समझना ये लिखना नहीं है आपको तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन फिनिश होता है चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं तो चलिए थर्ड क्वेश्चन करेंगे थर्ड क्वेश्चन में फिर से हम वही लिखेंगे कि जो ए है और जो बी है और जो सी है ये चीज कोअर्डिनेंट्स uh, के साथ में ये गिवन है तो हम लिखेंगे इज द गिवन पॉइंट्स और फिर डिस्टेंस निकालना चालू करेंगे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे फिर इसमें से जो बड़ा डिस्टेंस रहेगा उसका वैल्यू हम चेक करेंगे कि बाकी के दोनों के वैल्यूज के इक्वल में आ रहा है या अनईक्वल में आ रहा है फिर से बता रहा हूँ इक्वल में आया तो जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया ट्राइंगल नहीं बनेगा और अनइक्वल में आएगा तो ट्राइंगल बनेगा जब ट्राइंगल बनेगा तब तो वो साइड्स को देखना है कि वो तीनों साइड सेम आ रहे हैं या कैसे आ रहे हैं चलिए मैं आपको बता दूंगा तो चलिए शुरू करते हैं पहले बाय डिस्टेंस फार्मूला लिख के ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कॉमा बी विच इज रूट टू माइनस माइनस रूट टू दिस माइनस दिस किया है ये माइनस ये नहीं किया अब आप, मैंने आपको बोला कि फ्रीडम है आप ये माइनस ये करिए ये माइनस ये करिए तो इसमें से माइनस किया है इसको तो रूट टू में से माइनस किया है माइनस टू रूट टू रूट टू फिर प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रूट टू में से माइनस करेंगे माइनस रूट टू सेम ही हो रहा है रूट टू रूट टू है माइनस रूट टू माइनस रूट टू है तो जो यहां पर दिखेगा वही यहां पर भी दिखेगा फिर इसके बाद क्या करेंगे सिंपलीफाई करेंगे तो माइनस वो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस व माइनस प्लस हो जाएगा तो यहां पर लिखेंगे रूट टू प्लस रूट टू द होल स्क्वायर फिर से सेम चीज आएगा रूट टू प्लस रूट टू द होल स्क्वायर रूट टू प्लस रूट टू टू रू टू हो जाएगा रूट टू प्लस रूट टू टू रूट टू हो जाएगा तो यहां पर आएगा टू रूट टू द होल स्क्वायर और प्लस टू रूट टू द होल स्क्वायर और इसका जो आंसर है वो आपको मिल जाता है एट प्लस एट तो इसका एट आ रहा है इसका एट आ रहा है अगर चाहिए तो बता रहा हूं टू का स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर दोनों करना है तो टू का स्क्वायर मतलब टू इंटू टू और रूट टू का स्क्वायर मतलब रूट टू इंटू रूट टू तो टू टू जो फोर हो जाएगा इन टू रूट टू इंटू रूट टू टू होता है क्योंकि और फोर टूजा क्या हो जाएगा एट तो इसका भी एट है तो इसका भी एट रहेगा और फिर एट प्लस एट सिक्सटीन होता है तो विच इज इक्वल टू रूट सिक्सटीन और रूट सिक्सटीन का मतलब क्या है क्या रूट सिक्सटीन का स्क्वायर रूट है तो है फोर फोरजा तो इसका आंसर आ जाएगा फोर तो फाइनली हमको डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कॉमा बी मिल गया है फोर यूनिट्स तो हम यहाँ पे लिखेंगे देरफोर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कमा बी इज फोर यूनिट्स और इसको करेंगे इक्वेशन वन अब जिस तरह ए बी फाइंड आउट किया है डिस्टेंस अब बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई डिस्टेंस फॉर्मूला या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा चलिए तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी कॉमा सी तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस रूट टू में से माइनस करेंगे माइनस रूट सिक्स को फिर से माइनस रूट टू में से माइनस करेंगे रूट सिक्स को यहाँ पे समझिए दो माइनस आया है क्योंकि एक माइनस इसका है और यहाँ पे सिर्फ एक ही माइनस आया है जो फॉर्मूले का माइनस है और रूट सिक्स आया है तो अब इसको सिंपलीफाई करना है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस रूट टू प्लस रूट सिक्स द होल स्क्वायेयर और माइनस रूट टू और माइनस रूट सिक्स ये तो सेम ही रहेगा तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे माइनस रूट टू प्लस रूट सिक्स द होल स्क्वायेर और माइनस रूट टू और माइनस रूट सिक्स द होल स्क्वायेर अब इसके आगे, आगे आपको इसको सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई करने के बाद जो मिलता है वो यहाँ पे लिखा है कि टू माइनस टू रूट ट्वेल्व प्लस सिक्स प्लस टू प्लस टू रूट ट्वेल्व प्लस सिक्स मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ कि जैसे ये जो चीज है यहाँ पे माइनस रूट टू और प्लस रूट सिक्स द होल स्क्वायर, तो वो है ए प्लस बी द होल स्क्वायर जिसका सोल्यूशन आप जानते हो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो A square, A के प्लेस पे माइनस रूट टू का स्क्वायर जिसमें से माइनस का स्क्वायर प्लस बन रूट टू का स्क्वायर रूट टू इंट रूट टू टू देगा तो यहाँ पे टू आ जाएगा फिर प्लस टू ए बी है तो टू और ए ए के प्लेस पे माइनस रूट टू है तो टू इंटू ए इंटू बी बी के प्लेस पे रूट सिक्स है तो यहाँ पे रूट सिक्स आएगा सॉल्व करेंगे तो टू टू इंटू रूट टू आपको मिल जाए सॉरी ऐसा करिए रूट टू को रूट सिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिक्स टू जो ट्वेल्ल रूट का रूट से मल्टीप्लीकेशन चलता है तो सिक्स टू जो ट्वेल्व हो जाएगा तो रूट के अंदर 12 हो जाएगा और माइनस इंटू टू माइनस टू तो माइनस टू रूट ट्वेल्व आएगा तो ये जो माइनस है मतलब ये जो प्लस है इस माइनस की वजह से ये प्लस भी माइनस बन जाएगा या नहीं समझ रहा तो चलिए यही लिख देते हैं तो इस ऐसा लिखना पड़ेगा माइनस टू रूट ट्वेल्व और फिर प्लस बी का स्क्वायर है बी का स्क्वायर है रूट सिक्स का स्क्वायर रूट सिक्स का स्क्वायर आपको दे देगा सिक्स अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा टू प्लस इंटू माइनस माइनस टू रूट ट्वेल्व ऑफ फिर प्लस सिक्स तो यहां तक वही लिखा देखिए टू माइनस टू रूट ट्वेल्व फिर प्लस सिक्स ये जो चीज है वो इसको एक्सपांड किया इसको भी मैं बता दे रहे हूं। बता दे रहा हूं आपको तो ये जो है वो क्या है ये है माइनस रूट टू और फिर माइनस और रूट सिक्स और द होल स्क्वायर है तो ये जो है ये ए प्लस बी के फॉर्म में नहीं है ये ए है पूरा और ये बी है पूरा और बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा तो अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी फॉर्मूले में चेंज होएगा ये भी माइनस रहेगा क्योंकि ए माइनस बी द होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला रहेगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो यहां भी आ जाएगा माइनस तो अब इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर का मतलब माइनस रूट टू का स्क्वायर फिर से आपको वही बता रहा हूँ माइनस रूट टू का स्क्वायर क्या आएगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर टू बन जाएगा तो इसका आंसर आएगा टू फिर ये माइनस लिखा हमने फिर ये टू भी लिखा हमने और ए के प्लेस पे चलिए इसको यहां पे नहीं लिखेंगे माइनस लिख दिया टू को यहां पे लिख देते हैं फिर ए के प्लेस पे आप लिखोगे माइनस रूट टू उसको मल्टीप्लाई करना है बी से बी के प्लेस पे लिखोगे आप रूट सिक्स क्योंकि बी ये है माइनस उसके साथ नहीं है माइनस ये है ए के जगह पर पूरा रहेगा बी के पे रूट सिक्स रहेगा अब इसको सॉल्व करोगे तो सोल्व करे हुए हो जाएगा रूट ट्वेल्व फिर टू और ये माइनस तो माइनस टू रूट ट्वेल्व तो यहां पे हम ऐसा लिखेंगे माइनस टू रूट ट्वेल्व और फिर प्लस बी का स्क्वायर है बी का स्क्वायर मतलब रूट सिक्स का स्क्वायर आपको दे देगा सिक्स क्योंकि रूट सिक्स का फिर से बता रहा हूँ आप जानते रहोगे फिर मैं जिनको नहीं समझ में आता रहेगा उसके लिए बोल रहा हूँ रूट सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स आएगा थर्टी सिक्स का स्क्वायर और सिक्स आता है अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये टू रहेगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और टू रूट ट्वेल्व रहेगा और फिर प्लस सिक्स रहेगा तो ये चीज़ है जो यहाँ से यहाँ तक है वो ये है टू प्लस टू रूट ट्वेल्व प्लस सिक्स तो ये मैंने एक्सपांड करके आपको बता दिया है तो अब क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई में अगर आप देखते हो तो एक जगह पे आपको दिख रहा है माइनस टू रूट ट्वेल्व और एक जगह पे आपको दिख रहा है प्लस टू रूट ट्वेल्व इनको सॉल्व करने पे तो आपको पता है जीरो आ जाएगा तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो ये दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो फिर अब क्या बच रहा है देखिए टू फिर प्लस सिक्स फिर प्लस टू और फिर प्लस सिक्स सबको अगर ऐड करोगे तो टू प्लस सिक्स आपको देगा एट एट प्लस टू देगा आपको टेन टेन प्लस सिक्स आपको देगा सिक्सटीन मतलब और रूट तो आपको इसका जो वैल्यू है वो मिलेगा रूट सिक्सटीन इसका भी मिला था रूट सिक्सटीन इसका भी आपको रूट सिक्सटीन मिला है तो इसका डिस्टेंस आपको फोर यूनिट मिला था फोर फोर जो सिक्सटीन तो इसका भी आपको फोर मिलेगा तो ये था डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी कॉमर सी तो यहाँ हम ऐसा लिखेंगे देर फोर डिस्टेंस बिटवीन बी कॉमा सी इज फोर यूनिट इसको कर देंगे equation number two. अब सिर्फ एक distance और बच रहा है वो है सॉरी ए कॉमा सी तो इसको भी फाइंड आउट करेंगे और लिखेंगे distance between point A, C is, इस में से इसको माइनस किया है तो रूट टू में से माइनस किया है माइनस रूट सिक्स को और द होल स्क्वायर होगा फॉर्मूला फिर प्लस रूट टू में से माइनस करेंगे रूट सिक्स को तो रूट टू में से माइनस करेंगे रूट सिक्स को फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो अब होल स्क्वायर हो जाएगा और रूट टू माइनस रूट सिक्स हो जाएगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर जैसे इसमें किया था मैंने एक्सपांड करके आपको बता दिया था इसमें एक्सपांड करके बता नहीं रहा हूँ स्टूडेंट्स डायरेक्टली आपको लिख के बता रहा तो आएगा टू प्लस टू रूट ट्वेल्व प्लस सिक्स और प्लस टू माइनस टू रूट ट्वेल्व प्लस सिक्स अब यहां पर फिर से ये दोनों कैंसिल हो रहा है बस और टू प्लस सिक्स एट एट प्लस टू टेन टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन तो विच इज इक्वल टू रूट सिक्सटीन और रूट सिक्सटीन मिला है तो इसका मतलब फोर आएगा तो ए सी जो है उसका भी आपको वैल्यू मिला फोर अब यहाँ पे सबसे पहले हमको यही देखना है कि क्या वो पॉइंट कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है तो बड़े वाला का जो डिस्टेंस होता है वो बाकी के दोनों के डिस्टेंस को प्लस करके इक्वल नहीं आना चाहिए अब यहाँ पे बड़ा तो कोई भी नहीं है सबका डिस्टेंस एक जैसा ही है फिर भी हम किसी एक को ले सकते हैं जैसे हम ए बी को ले सकते हैं चाहे ए सी को चाहे बीसी को क्योंकि बड़े में तो कोई भी नहीं है तो किसी को भी लिया जा सकता है तो फोर जो है ये जो फोर है क्या ये इक्वल है ये दोनों फोर को प्लस करके तो नहीं इक्वल है ये फोर जो है वो इक्वल नहीं है क्योंकि इस तरफ का वैल्यू एट आ रहा है इसका ये मतलब है कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो बी सी और ए सी को प्लस करके नहीं आ रहा है इक्वल नहीं आ रहा है तो हम आप ऐसा लिखेंगे कि सिंस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कॉमा बी या ए बी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी सी प्लस डिस्टेंस ऑफ बिटवीन पॉइंट ए कॉमा सी तो इसका यह मतलब है कि पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो जाएंगे तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि देर फोर पॉइंट ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और जब नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो क्या ट्राइंगल बनाया जा सकता है तो यस ट्राइंगल बनाया जा सकता है ट्राइंगलॉर्म हो रहा है तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि देर फोर वी कैन कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल यूजिंग अब पॉइंट ये जो पॉइंट है इनको यूज करके हम ट्राइंगल बना सकते हैं तो अब हमने ये बता दिया कि हाँ ट्राइंगल बनाया जा सकता है लेकिन हमसे एक क्वेश्चन और पूछा था आपने देखा रहेगा इसके पहले कि किस टाइप का ट्राइंगल है तो अब अगर आप साइड्स को कंसिडरिंग द साइड्स बोला है तो साइड्स को अगर आप देखोगे तो एक साइड फोर यूनिट का है दूसरा साइड भी फोर यूनिट का है तीसरा साइड भी फोर यूनिट का है मतलब तीनों साइड इक्वल, तो इक्वल आ रहे हैं तो जब तीनों साइड इक्वल आएंगे तो किस टाइप का ट्राइंगल रहेगा स्टूडेंट अब आपको मालूम है इक्विलेटेड ट्राइंगल तो हम यहाँ पे ऐसा बोलेंगे कि हम बोल सकते हैं therefore, triangle A, B, is an equilateral triangle. तो चलिए अब ये सेकेंड सॉरी थर्ड क्वेश्चन फिनिश होता है अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन पे भी सेम प्रोसेस है कुछ भी बड़ा प्रोसेस नहीं है तो वही करेंगे पहले हम लिखेंगे कि एल सिक्स फोर एम माइनस फाइव और एन माइनस सिक्स कोमा एट ज द गिवन पॉइंट ये आपको दिया हुआ है और फिर लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन एल एम निकालेंगे तो लिखेंगे माइनस फाइव को द होल स्क्वायर लिखा और फोर में से माइनस किया माइनस थ्री को फोर में से माइनस किया माइनस थ्री को माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो सिक्स प्लस फाइव माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा फोर प्लस थ्री और स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे सिक्स प्लस फाइव द होल स्क् प्लस फोर प्लस थ्री द होल स्क्वायेर सिक्स प्लस फाइव आपको दे देगा इलेवन और फोर प्लस थ्री दे देगा आपको सेवन तो फोर प्लस सिक्स प्लस फाइव इलेवन दो इलेवन स्क्वायर और सेवन का स्क्वायर फोर प्लस थ्री अलेवन का स्क्वायर वन ट्वेंटी वन सेवन का स्क्वायर आपको दे देगा दे फोर्टी नाइन तो आपको मिल जाएगा वन ट्वेंटी वन प्लस फोर्टी नाइन इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो आपको मिल जाता है वन सेवनटी यूनिट्स ये रूट में आ रहा है इसके लिए मैं आपको बोला कि इसको लास्ट पे करेंगे क्योंकि प्लस करने में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा फिर अब हमको क्या करना है एम एन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम सेम लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एम एन इज एम और एन है तो माइनस फाइव में से चलिए इसमें से इस बार इस माइनस किया देखिए आप ऐसा मत सोचिए कि, कि कभी इसमें से पहले वाले में से पहले वाले को माइनस कर, कर किया जा रहा है और दूसरे वाले में से दूसरे को और कभी इधर वाले में से इधर माइनस किया जा रहा है तो ये आपके ऊपर फ्रीडम है स्टूडेंट्स आपको जो कन्वीनियंट लगता है वो कर लीजिए यहाँ पे हमने इसमें से इसको माइनस किया है इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है एकदम क्लियर हो आप चाहे जैसा आप कर सकते हो आंसर वही आने वाला है तो यहां पे माइनस हुआ है माइनस सिक्स में से माइनस करेंगे माइनस फाइव को एट में से माइनस करेंगे माइनस थ्री को तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा माइनस सिक्स प्लस फाइव द होल स्क्वायर एट प्लस थ्री द होल स्क्वायर फिर माइनस सिक्स प्लस फाइव माइनस वन दे देगा एट प्लस थ्री आपको दे देगा दे इलेवन तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं कि माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस इलेवन द होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा इलेवन का स्क्वायर वन ट्वेंटी वन हो जाएगा तो दोनों को मिलाएंगे तो 122 हो जाएगा क्योंकि ये 121 देगा और ये आपको 1 देगा तो 121 वन इज uh, 122 तो ये भी आपको रूट में मिला है फिर अब बचता है एल तो अब डिस्टेंस निकालेंगे एल का और LN के लिए भी सेम है सिक्स में से माइनस किया माइनस सिक्स को और फोर में से माइनस किया एट को माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो सिक्स प्लस सिक्स द होल स्क्वायर और फोर माइनस एट आपको देगा माइनस फोर द होल स्क्वायर सिक्स प्लस सिक्स थर्टी सिक्स का स्क्वायर सॉरी ट्वेल्व का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस फोर का स्क्वायर तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्वेल्व का स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर यहाँ पे सॉल्व कर लिया है माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा फोर का स्क्वायर सिक्सटीन हो जाएगा और uh, स्क्वायर नहीं आएगा स्टूडेंट्स तो स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे फिर ट्वेल्व का स्क्वायर आपको वन फोर्टी फोर मिलेगा और प्लस सिक्सटीन करना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं वन फोर्टी फोर प्लस सिक्सटीन इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाता है वन सिक्सटी यूनिट्स तो अब देखिए यहाँ पे फिर से वही है कि आपको बड़ा वाला जो डिस्टेंस है क्या वो दोनों छोटे को प्लस करके इक्वल में आ रहा है या अनइक्वल में आ रहा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो सकता है जिसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन को लास्ट में रखा है वो ये कि सब रूट के अंदर है स्टूडेंट्स और रूट के अंदर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होएगा अगर इसके अंदर और इसके अंदर इसको सिम्प्लीफाई भी नहीं किया जा सकता जिससे वन का फैक्टर निकालोगे तो भी आप क्लियरली नहीं हो पाओगे वन का फैक्टर और वन का फैक्टर उससे भी आपको लाइक सर्स जो है मतलब लाइक जो रूट्स है वो आपको नहीं मिल पा रहा है तो इसको प्लस करके किस तरह शो करना है मैं आपको थोड़ी देर के बाद बता रहा हूँ पहले इस सम्स को इस मेन स्क्रीन पे कंप्लीट कर लेते हैं और मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ इसका जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के डिस्टेंस को प्लस करके इक्वल में नहीं आ रहा है उसका जो प्रूफ है थोड़ी देर के बाद बता रहा हूँ मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर लिख के ये बोल रहा हूँ कि सिंस डिस्टेंस बिटवीन एल एम इज ग्रेटर इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एल प्लस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एम एन मतलब इसका जो डिस्टेंस है ये सबसे बड़ा है क्योंकि रूट वन सेवेंटी रूट वन ट्वेंटी टू और रूट वन सिक्सटी में यही सबसे बड़ा है तो इसका जो डिस्टेंस है वो फिलहाल मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि वो नहीं है इक्वल बाकी के दोनों के डिस्टेंस को प्लस करके तो अगर ये नहीं इक्वल हो रहा है बड़ा वाला साइड बाकी के दोनों साइड को तो आप आपको मालूम है कि फिर ट्राइंगल के जो तीन पॉइंट्स है वो को लीनियर नहीं है और इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि देरफुर पॉइंट्स एल एम एन आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और अब बताइए कि जब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे तो ट्राइंगल बनता है या नहीं बनता है तो ट्राइंगल बन जाता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी कैन कंस्ट्रक्ट ए यूजिंग दिस पॉइंट्स पॉइंट्स ये जो है फिर अब आपको आपने ये बता दिया कि हाँ ट्राइंगल बनाया जा सकता है और पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है लेकिन आपको अब ये भी बोला है कि, कि किस टाइप का ट्राइंगल बनता है तो आप बताइए कि किस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है अगर तीनों वैल्यूज अलग अलग है तो इसका मतलब है कि स्केले ट्राइंगल रहेगा तो आप यहाँ पे लिखोगे कि एज नन ऑफ ऑफ द साइड्स आर इक्वल इट इज ए आप कोई भी अदर लैंग्वेज में भी लिख सकते हो जैसा भी आप समझ सकते हो तो अब हम क्या करने वाले हैं ये जो तीन साइड अन एकवल है इसको एक बार समझेंगे दो मेथड से समझ सकते हैं वो अगर आप लिखते हो इन दोनों इसके बाद अगर लिख लेते हो तो बेस्ट रहेगा यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ इसके लिए आपका मूड जो है वो ठीक था अब बस थोड़ा सा एक स्ट्रेस लेके थोड़ा सा एक थोड़ा थोड़ा सा और मेहनत करके वो चीज़ समझ लीजिए कि आप इसको कैसे बता पाओगे तो वो थोड़ा अलग रखना मेमोरी में, में और जब अगर एग्ज़ाम में आता है तो तीनों क्वेश्चन एक साथ थोड़ी आएगा तो अगर आता है तो इसके बाद वो चीज़ आप लिख के प्लस करके बता देना तो चलिए हम वही चीज़ देखते हैं कि कैसा इसको प्लस करके बताएंगे कि ये जो है इनके इक्वल में नहीं है प्लस करके तो वो जो तीन डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये तीन डिस्टेंस है तो सबसे पहले हम बड़ा वाला जो डिस्टेंस है वो लेंगे आ, रूट सेवेंटी हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एल कॉमा एम विच इज़ रूट ऑफ वन सेवेंटी यह आप स्क्वायर लिख लिखिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है मतलब रूट वन सेवेंटी जो सबसे बड़ा है तो रूट वन सेवनटी का स्क्वायर लीजिए तो जब आप रूट वन सेवनटी का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा वन सेवनटी क्योंकि कभी भी रूट के अंदर स्क्वायर करने पर रूट चला जाता है रूट का स्क्वायर करने पर तो ये हो जाएगा वन और फिर क्या करना है इन दोनों को प्लस करके स्क्वायर निकालना है मतलब रूट वन ट्वेंटी टू प्लस रूट वन सिक्सटी और उसका स्क्वायर निकालना है स्टूडेंट्स ऐसा एक एक स्क्वायर नहीं निकलेगा इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर और फिर कंपैरिजन होएगा दोनों का अलग से निकालना पड़ेगा तो जब आप ऐसा लिखते हो ना स्टूडेंट्स तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर नहीं बताया जाएगा अलग अलग ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर और फिर वही चीज है कि ए स्क्वायर फिर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो ए स्क्वायर का मतलब है रूट वन ट्वेंटी टू का स्क्वायर और फिर प्लस टू इंटू ए इंटू बी है तो टू इंटू ए ए है आपका रूट वन ट्वेंटी टू और इंटू बी बी है रूट वन सिक्सटी फिर प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस बी स्क्वायर बी का मतलब रूट सी, आ, 160 है तो रूट 160 का स्क्वायर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स रूट वन ट्वेंटी का स्क्वायर जैसे वन सेवेंटी का स्क्वायर आपने वन सेवेंटी लिख दिया तो रूट ऑफ वन ट्वेंटी का स्क्वायर आपको क्या लिखना पड़ेगा वन ट्वेंटी टू इसका आपको लिखना पड़ेगा वन सिक्सटी और इसको एज इट इज लिख दीजिए टू इंटू रूट ऑफ वन ट्वेंटी टू इंटू रूट ऑफ वन सिक्सटी फिर ये दोनों को ऐड कर लीजिए क्योंकि ये ऐड नहीं हो सकता इनके साथ इसको मल्टीप्लाई भी मत करिए जब आप 122 और 160 को ऐड करते हो तो वो आपको मिलता है 282 ये दोनों को प्लस किया है अब आगे ये जो लिखा है वो तो लिखा ही है प्लस टू रूट टू इंटू रूट ऑफ वन ट्वेंटी रूट ऑफ वन तो इसको कर लीजिए टू इसके आगे कुछ मत कर लीजिए अब यहां पे देखिए कि ये जो सबसे बड़ा था उसका स्क्वायर आपको 170 दिया और बाकी के दोनों का स्क्वायर का जो आंसर है वो इतना आया इतने में से अगर आप इस नंबर को फोकस करोगे तो 282 है ये 170 से बड़ा है उसके बाद और भी कुछ ऐड हो रहा है इसको सॉल्व करने पे एक नंबर बनेगा उसको भी जब ऐड करोगे तो ये और बड़ा हो जाएगा इसका मतलब है कि इसके अकेले का जो डिस्टेंस है वो बाकी के दोनों के डिस्टेंस को प्लस करने पर जो वैल्यू आ रहा है उसके इक्वल में नहीं है देखिए फिर से बता रहा हूँ ये 170 है और ये 282 है इतना जो क्लियर नंबर दिख रहा है आपको ये खुद बड़ा हो चुका है इसका यही मतलब है कि 170 सेवेंटी इज नॉट इक्वल टू दिस नंबर मतलब डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन पॉइंट पॉइंट इज नॉट इक्वल टू दिस इतना अगर आप शो कर देते हो सिर्फ इतना और फिर फ्रॉम वन एंड टू लिख देते हो ऐसा कि फ्रॉम वन एंड टू ये लिख देते हो कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एल एम एल एम Is not equal to, जैसे वहां पे बस मतलब आप ऐसा लिखे देखिए ये दिखाइए आप और फिर फ्रॉम वन एंड टू लिख दीजिए जो हमने पीछे लिखा था स्क्रीन पे ये चीज और उसके बाद सब कुछ सेम रहेगा बस इन दोनों के बीच में आपको ये लिखना है ये चीज स्टूडेंट्स फ्रॉम वन एंड टू लिख देना बस इतना चीज अगर आप मैनेज कर लेते हो तो आपका ये सम्स कंप्लीट हो जाएगा इसका एक मेथड और जो मैं बताने वाला था मुझे नहीं लग रहा है कि आपको बताऊं वो क्योंकि ये चीज आपको समझ में आ ही गया है कोई इतना बड़ा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ा स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आपको समझना था एक बार वीडियो को और पीछे करके समझ लीजिए आपको समझ में आ जाएगा तो शुरुआत में हमने सेकेंड सम्स किया थर्ड सम्स किया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया फर्स्ट सम्स में बस यही थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आया इसको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट दे दीजिए स्टूडेंट्स थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कर लीजिए इसके ऊपर और इसके बाद बस वही लिख के डायरेक्ट यही लिख दीजिए आपका पूरा काम कंप्लीट होता है तो बस यही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उस चीज को थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो रहा है मिलते हैं अगले वीडियो में Thank you very much.